हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज सिखाऊंगी लेडीज सॉक्स। ये बहुत ही प्यारे हैं, ये देखें, इसकी डिजाइन बहुत सुंदर बन के आई हुई है। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें। चलिए मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। ये देखो, दो कलर लिए हैं, ब्लैक और येलो, और 10 नंबर की मैं सिलाई यूज कर रही हूँ। ये वर्धमान की वूल है, तो देखें किस तरह से मैं फिंदे को डालूंगी। इस तरह से हमें फिंदे डालने हैं, वूल ज्यादा नहीं रखनी है। इस तरह से हमें 20 फिंदे डालने हैं, तो 20 फिंदे डालने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखो, फिंदे मैंने डाल लिए हैं, और ऊपर हमने ये 4 फिंदे ब्लैक से डाले हुए हैं। अब बुनाई स्टार्ट करते हैं। तो टोटल मैंने 24 फिंदे डाले हुए हैं, 4 फिंदे ये बिन लिए और 2 फिंदे येलो वाले में से बिन लिए। ये रो हम उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। अब सीधी साइड जो जैसा कलर है उसी कलर से बनाना है। ये देखो, 4 फिंदे हमने ब्लैक से फिर से बिन लिए, और जो ब्लैक वाले फिंदे हैं वो येलो कलर हो जाएंगे। अब यहाँ पे नीचे की साइड पे ये डिजाइन बढ़ रही है, तो 2 फिंदे ब्लैक हो जाएंगे। बाकी फिंदे इसी तरीके से बुनेंगे। इधर से पूरी रो इसी तरह से निकालेंगे, उधर से भी जो जैसा कलर है उसी तरह से निकालेंगे। अब फिर से देखें, अब 6 फिंदे हम फिर से बिन लेंगे ब्लैक से, 4 ऊपर की साइड के और 4 ये। अब यहाँ पे देखें, अब 2 फिंदे आगे की साइड से हम ले लेंगे इस तरह से। बाकी फिंदे इसी तरीके से रहेंगे। ये देखो, 4 हमने फिर से बिन लिए ऊपर की साइड पे। ये बॉर्डर के फिंदे हैं, तो इसी तरह से 4 ये बराबर इसी तरह से चलते रहेंगे। नीचे की साइड पे मैं डिजाइन इस तरह से बनाती रहूंगी। इनके कलर चेंज होते रहेंगे हर उल्टी सिलाई में। बाकी फिंदे इसी तरह से, ये देखें, अब फिर से यहाँ पे 6 फिंदे हो जाएंगे, 4 ऊपर बॉर्डर के और 4 ये। इसी तरह से जब 8 फिंदे येलो वाले नीचे यहाँ पे रह जाएंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसी तरह से मैं बना लेती हूँ। एक, 2, 3, 4। अभी एक ब्लैक और होगा यहाँ पे इसी तरीके से, तो मैं कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखो, यहाँ तक हमने डिजाइन के कितने फिंदे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 12 फिंदे हैं मेरे पास डिजाइन के, और 4 फिंदे ये ऊपर बॉर्डर के लिए, और 8 फिंदे मैंने प्लेन रखे हुए हैं। अब देखें, डिजाइन यहाँ तक बन गई है। अब देखें ऊपर की तरफ डिजाइन जाएगी। ये फिंदे इसी तरह से हम चेंज करते रहेंगे। अब यहां पे आप देखें, ये वाले 2 फिंदे हैं वो येलो कलर के हो जाएंगे, ब्लैक वाले ये देखें, और बाकी फिंदे, अब यहां पे 8 थे, 10 फिंदे हमने बिनने हैं, तो 10 फिंदे येलो कलर के हो गए नीचे की साइड पे, क्योंकि डिजाइन ये देखें अब यहां से ऊपर की साइड पे जाएगी। तो अब जो जैसे फिंदे हैं उससे बिन लेती हूँ, फिर आगे का फिर से कलर चेंज करते जाएंगे। अब जो नीचे के 2 ब्लैक हैं
वो येलो होते जाएंगे। और आगे की साइड पे हमने डिजाइन बंद कर दी तो ये सारे फिंदे येलो हो जाएंगे। पूरी रो हमने इसी तरह से कंप्लीट की। अब इधर से हमें जो जैसा कलर है उसी कलर से बनाना है। अभी देखो, अब जो यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, इस तरह से ये कम होते जाएंगे। अब किधर यहाँ से हो जाएंगे, फिर ये ऊपर से हो जाएंगे। इस तरह से ये डिजाइन बनती जाएगी। देखें, फिर से एक बार देख लें। ये देखें, अब इसी तरह से हमें यहाँ पे 20 फिंदे येलो हो जाएंगे बुनते बुनते, तो ये डिजाइन पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखो, ये डिजाइन मैंने पूरी कंप्लीट की। अब दूसरी स्टार्ट किस तरह से करेंगे, जिस तरह से हमने नीचे बनाया है उसी तरह से बनाना है। देखें, दो फिंदे हमने ये येलो वाले ब्लैक कर लिए, बाकी फिंदे इसी तरीके से रहेंगे। बॉर्डर के चार फिंदे, अब ये दो फिंदे येलो हो जाएंगे और आगे की साइड पे ये दो फिंदे ब्लैक हो जाएंगे। इसी तरह से ये डिजाइन बनती जाएगी। ये देखो, यहाँ से डिजाइन स्टार्ट हो गई, अब यहाँ तक जाएगी, आठ फिंदे नीचे रह जाएंगे। तो ऐसी डिजाइन बढ़ती जाएगी। जिस तरह से इसको बनाया है इसी तरह से यहाँ भी बनाना है। तो मैं बना लेती हूँ, फिर आपको दिखा। आप सब कैसे हैं? आज सिखाऊंगी ये बहुत ही प्यारा सा बॉर्डर। ये आप चाहे कार्डिगन में डालें, चाहे ब्लाउज में डालें, चाहे कैप में डालें, ये सभी पे बहुत सुंदर लगेगा इस तरह का बॉर्डर। और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। चलिए, मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। ये देखो, फिंदे मैंने डाल लिए हैं और ऊपर हमने ये चार फिंदे ब्लैक से डाले हुए हैं। अब बुनाई स्टार्ट करते हैं। तो टोटल मैंने 24 फिंदे डाले हुए हैं, चार फिंदे ये बिन लिए और दो फिंदे येलो वाले में से बिन लिए। ये रो हम उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। अब सीधी साइड जो जैसा कलर है उसी कलर से बनाना है। ये देखो, चार फिंदे हमने ब्लैक से फिर से बिन लिए और जो ब्लैक वाले फिंदे हैं वो येलो कलर हो जाएंगे। अब यहाँ पे नीचे की साइड पे ये डिजाइन बढ़ रही है तो दो फिंदे ब्लैक हो जाएंगे, बाकी फिंदे इसी तरीके से बुनेंगे। इधर से पूरी रो इसी तरह से निकालेंगे, उधर से भी जो जैसा कलर है उसी तरह से निकालेंगे। अब फिर से देखें, अब छह फिंदे हम फिर से बिन लेंगे ब्लैक से, चार ऊपर की साइड के और चार ये। अब यहाँ पे देखें, अब दो फिंदे आगे की साइड से हम ले लेंगे इस तरह से, बाकी फिंदे इसी तरीके से रहेंगे। ये देखो, चार हमने फिर से बिन लिए ऊपर की साइड पे, ये बॉर्डर के फिंदे हैं तो इसी तरह से चार ये बराबर इसी तरह से चलते रहेंगे। नीचे की साइड पे मैं डिजाइन इस तरह से बनाती रहूंगी। इनके कलर चेंज होते रहेंगे हर उल्टी सिलाई में। बाकी फिंदे इसी तरह से, ये देखें, अब फिर से यहाँ पे छह फिंदे हो जाएंगे, चार ऊपर बॉर्डर के और चार ये। इसी तरह से जब आठ फिंदे येलो वाले नीचे यहाँ पे रह जाएंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसी तरह से मैं बना लेती हूँ। एक दो तीन चार, अभी एक ब्लैक और होगा यहाँ पे,
इसी तरीके से। तो मैं कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ तक हमने डिजाइन के कितने फिंदे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 12 फिंदे हैं मेरे पास डिजाइन के, और 4 फिंदे ये ऊपर बॉर्डर के लिए, और 8 फिंदे मैंने प्लेन रखे हुए हैं। अब देखें डिजाइन यहाँ तक बन गई है। अब देखें ऊपर की तरफ डिजाइन जाएगी, ये फिंदे इसी तरह से हम चेंज करते रहेंगे। अब यहां पे आप देखें ये वाले दो फिंदे हैं वो येलो कलर के हो जाएंगे, ब्लैक वाले ये देखें, और बाकी फिंदे अब यहां पे 8 थे, 10 फिंदे हमने बिनने हैं, तो 10 फिंदे येलो कलर के हो गए नीचे की साइड पे, क्योंकि डिजाइन ये देखें अब यहां से ऊपर की साइड पे जाएगी। तो अब जो जैसे फिंदे हैं उससे बिन लेती हूँ, फिर आगे का फिर से कलर चेंज करते जाएंगे। अब जो नीचे के दो ब्लैक हैं वो येलो होते जाएंगे, और आगे की साइड पे हमने डिजाइन बंद कर दी, तो ये सारे फिंदे येलो हो जाएंगे। पूरी रो हमने इसी तरह से कंप्लीट की। अब इधर से हमें जो जैसा कलर है उसी कलर से बनाना है। अभी देखो अब जो यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे इस तरह से ये कम होते जाएंगे, अब की दाएं यहाँ से हो जाएंगे, फिर ये ऊपर से हो जाएंगे, इस तरह से ये डिजाइन बनती जाएगी। देखें फिर से एक बार देख लें, ये देखें अब इसी तरह से हमें यहाँ पे 20 फिंदे येलो हो जाएंगे बुनते बुनते, तो ये डिजाइन पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। देखो ये डिजाइन मैंने पूरी कंप्लीट की। अब दूसरी स्टार्ट किस तरह से करेंगे, जिस तरह से हमने नीचे बनाया है उसी तरह से बनाना है। देखें दो फिंदे हमने ये येलो वाले ब्लैक कर लिए, बाकी फिंदे इसी तरीके से रहेंगे। बॉर्डर के 4 फिंदे, अब ये दो फिंदे येलो हो जाएंगे, और आगे की साइड पे ये दो फिंदे ब्लैक हो जाएंगे। इसी तरह से ये डिजाइन बनती जाएगी। ये देखो यहाँ से डिजाइन स्टार्ट हो गई, अब यहाँ तक जाएगी, 8 फिंदे नीचे रह जाएंगे, तो ऐसी डिजाइन बढ़ती जाएगी। जिस तरह से इसको बनाया है इसी तरह से यहाँ भी बनाना है, तो मैं बना लेती हूँ फिर आपको। ये देखो मैंने डिजाइन बना ली है, इस तरह से ये डिजाइन बनेगी। देखो मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है, इसमें मैंने देखो कितनी डिजाइन बनाई है, 1 2 3 4 5। अब 5 के बाद ये देखें इस तरह से हमें इसको फिंदों को उतार देना है, दो का एक करते हुए इन फिंदों को उतार दें। ये देखें येलो कलर है तो हम येलो से उतार देंगे, इस तरह से उतार लेती हूँ, फिर आपको दिखा सिलना बताऊंगी। तो सिलेंगे किस तरह से, ये देखें इस तरह से हम सीधा कर लेंगे, ये सीधा है अंदर की साइड और बाहर की साइड उल्टा है, तो इसको हम बाद में इतना सिलेंगे, पहले हम यहां से सिलते हैं।
अब ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको इस तरीके से तो मैं सिल लेती हूँ। देखें ऊपर का हम ब्लैक कलर से सिलेंगे ताकि ये दिखे नहीं, और इसको हम इसी में दबा दें। इसको यहाँ पे हम पक्का कर देंगे और इस तरह से इसको यहाँ से अब कट कर देंगे। अब देखें इधर हमने यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सिल लिया है। अब हमें आगे की साइड पे देखें एक डिजाइन है ये वाली, देखें इतना मैं यहाँ इसको ले लूँगी। ये देखें इसको हम सीधा कर लेते हैं, सीधी साइड से करेंगे तो ये सुंदर आएगा। ये देखिए तो इसको हम इस तरीके से छोटा छोटा इसको राउंड शेप में सिल दें। ये इस तरह से है। अगर और इसमें पैर थोड़ा सा ढीला हो रहा है तो और थोड़ा सा राउंड कर लें तो ये और सुंदर से हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे मैं नॉट लगा दूंगी इस तरह से, ये देखें, और एक बटन लगा दूंगी। तो मैं बना लेती हूँ फिर आपको, इस तरह से मैं बटन को टांग दूंगी इसमें। ये देखें अब यहाँ पे इस तरह से हमें पक्का कर देना है। और इस धागे को कट कर दो। ये देखो इसको सिल लिया है मैंने, कंप्लीट कर लिया है। इसकी फिटिंग भी बहुत सुंदर आई हुई है, ये देखें इस तरह से।